बड़ी खबर, गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर भारत के कई राज्यों में एनआईए की रेड हुई है। गैंगस्टर्स के कई ठिकानों पर एनआईए ने रेड की है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में ये छापेमारी जारी है। कई गैंगस्टर्स के घर पर एनआईए की छापेमारी है। गैंगस्टर्स के 50 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की तरफ से ये छापेमारी की गई है। सुबह 4 बजे से ही इन छापों का सिलसिला जारी है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में एनआईए की रेड चल रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में ये छापेमारी एनआईए की तरफ से हो रही है। सुबह 4 बजे के आसपास से ये छापेमारी लगातार जारी है। कई गैंगस्टर्स एनआईए की जद में हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। चलिए, दिल्ली से हमारे संवाददाता कमल कंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, विस्तार से जानकारी दें एनआईए की छापेमारी के बारे में। बिल्कुल रेणु जी, अपने दर्शकों को बताए थे कि जिस तरीके से एनआईए जो है दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में जो है वो रेड कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से गैंगस्टर राज जो है वो चला हुआ है और उसको खत्म करने के लिए एनआईए जो है वो लगातार जो रेड है वो कर रही है। पिछले दिनों भी जो है वो रेड की गई थी और अब एक बार फिर जो है दिल्ली की अगर बवाना की बात करें, वहां पर रेड जो है वो एनआईए की तरफ से की जा रही है और जांच करने की कोशिश की जा रही है। कोई असला तो जो है वो नहीं रखा है या फिर किस तरीके से जो है उनके तार किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी तहकीकात जो है एनआईए की टीम कर रही है। चलिए कमल, बहुत शुक्रिया, नजर बना रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेंगे। संवाददाता कमल कंसल हमारे साथ जुड़े हुए थे। गैंगस्टर्स के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। उत्तर भारत के कई इलाकों में एनआईए की रेड चल रही है। सुबह 4 बजे से ही आपको बता दें कि छापेमारी का ये सिलसिला लगातार जारी है। इन सबके बीच पहली बार नहीं कि जब गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह से एनआईए ने लगातार छापेमारी की थी तमाम गैंगस्टर्स के ठिकानों पर।